Anjule from Ladakh. Namaste and a very good morning and welcome back to yet another new travel vlog. We are in Ladakh, guys. Yes, तो थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देता है. दूसरा दिन है हमारा लेह में. तो कल हम लैंड किए थे सुबह यहाँ पर एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से लेह की, जो कि 1.5 घंटे में पहुँचाती है आपको लेह, और बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ हमने लैंड किया. Hey everybody, so we are landing in Ladakh, Leh. रिकमेंड होता है कि आप एक्लिमेटाइज करो, बिकॉज ये हाई एल्टीट्यूड एरिया है और यहाँ पर आपको एक दिन रेस्ट करना रिकमेंडेड होता है, और एक या दो दिन, मतलब अगर आपका 10-15 दिन का ट्रिप है तो आप दो दिन भी थोड़ा चिल पिल ले सकते हो, आराम से रेस्ट करो. तो कल हमने क्या किया, एयरपोर्ट से हमने ली टैक्सी, वी केम टू आर एयरबीएनबी जो कि हमने बुक किया था booking.com से. मतलब इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अगरथा हाउस है और मार्केट से काफ़ी क्लोज है, 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस में. यहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं 2 रातों के लिए. तो कल फर्स्ट नाइट थी, आज सेकेंड नाइट, एंड टुमारो वेयर वी आर गोइंग वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि काफ़ी जगह पे बारिश हो रही है लद्दाख में. एंड नुब्रा वैली हमारा प्लान था पहले, बट नुब्रा में लैंडस्लाइड हो गया है, तो आज कन्फर्म होगा कि हम वहाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं. तो वो हम आज डिसाइड करेंगे. बट आज का जो प्लान है वो क्या है वो आपको बता देती हूँ. तो आज हम लेह सिटी एक्सप्लोर करने वाले हैं. इन एंड अराउंड ले वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग थिक्से मोनेस्ट्री एंड देन संगम एंड ले पैलेस एंड या, तो वो सारी चीज़ें तो आपको साथ में लेकर चलते हैं. अभी उससे पहले थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर दिन की शुरुआत करेंगे. लेट्स बिगिन द डे. हाँ जी, थोड़ी सी. तो जी हम जहाँ स्टे कर रहे हैं उसके जस्ट सामने देयर इज अ कुल्चा लैंड. यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने अच्छे कुलचे, एकदम टिपिकल अमृतसरी छोले कुलचे खा रहे हैं बढ़िया नाश्ते में. मस्ट ट्राई व्हेन यू आर हियर. ये कौन सा रोड है, सकारा, सकारा मेन मार्केट, प्रेसिडेंसी, सकारा मेन मार्केट. आप देखोगे लेह मार्केट से जस्ट 1.5 किलोमीटर. तो यहाँ पे कुलचा लैंड है. टू गुड है ना तारीख. तो गाइस आज हम अभी हम जा रहे हैं हेमिस मोनेस्ट्री, देन विल गो टू थिक्से एंड शे पैलेस. तो ये हमारे आज एजेंडा में है एंड लेट्स गो. तो हम आ गए हैं अभी शे पैलेस. वो 11th सेंचुरी में ये पैलेस बना हुआ था, किंग ने बनाया था, मतलब किंग यहाँ रहते थे उस टाइम पे. नाउ जहाँ पर किंग रहते हैं वो ले पैलेस है, और एक स्टॉक में भी एक पैलेस है जहाँ पर अभी प्रेजेंट जो किंग है उनका वहाँ पर रेसिडेंस है. बट इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, बट ये मुझे पता है जानकारी के हिसाब से. यहाँ से जो वैली का व्यू है एकदम सुंदर दिख रहा है, पूरा ग्रीनरी एक तरफ, कोल्ड डेजर्ट माउंटेन एंड ओ गॉड, बहुत शांति है. और यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं एक्चुअली इस तरफ. लोग ज़्यादातर ले पैलेस और जो भी टूरिस्टी प्लेसेस हैं उस तरफ जाते हैं. तो हम सबसे पहले शे पैलेस आए हैं. यहाँ से हम जाएंगे थिक्से मोनेस्ट्री एंड देन हम जाएंगे हेमिस. तो ये तो प्लान है. अभी थोड़ा सा अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर, क्योंकि शायद शूट नहीं करना चाहिए कहीं भी, वैसे अलाउड है कि नहीं है, विल सी. ओके लेट्स गो. तब तक आप ड्रोन शॉट इन्जॉय करो. Thank you.
जी एवरीबॉडी, तो अब हम आ गए हैं थिक्से मोनेस्ट्री। एंड ये मोनेस्ट्री जो है, इसे लद्दाख, सेंट्रल लद्दाख की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री कहा जाता है। ऑल्सो ये तिब्बत की एक मोनेस्ट्री का रिजेंबल है, इसे देखेंगे, बहुत सुंदर है। तो यहाँ से अभी हमने ड्रोन फ्लाई किया था, जस्ट हैव अ लुक। हम तब तक मोनेस्ट्री में अंदर जाते हैं और देखते हैं मोनेस्ट्री अंदर। यहाँ पर शूट करना अलाउड नहीं है, पिछले मोनेस्ट्री में तो था, तो हमने थोड़ा सा शूट कर लिया था। अभी लेट्स गो। तो हम अभी करू आए हैं, यहाँ से हम आगे जाएंगे हेमिस मोनेस्ट्री के लिए, बट उससे पहले हम यहाँ लंच के लिए रुके हुए हैं कुंगा पलखंग। यहाँ पे इंडियन, तिब्बतन और सारे क्यूजींस हैं, तो लेट्स सी। भूख लगी है, 2:30 बज गए, 2:30 भी नहीं 3 बजने वाले हैं, तो फटाफट से यहाँ पे करेंगे लंच एंड देन आगे चलेंगे। फैमिली के साथ रहते हैं तो ऐसा होता है गाइस। हेलो एवरीबॉडी, तो अब आ गए हैं हम हेमिस मोनेस्ट्री। और हेमिस मोनेस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, तो ये मोनेस्ट्री है लद्दाख की लार्जेस्ट एंड वेल्दीएस्ट मोनेस्ट्री। ये लेह सिटी से 45 किलोमीटर दूर है। तो हम रास्ते में शे पैलेस एंड थिक्से मोनेस्ट्री करके आए हैं, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा ब्रेक ले लेके, तो और उसके बाद लंच भी किया। एंड दिस मोनेस्ट्री इज़ लार्जेस्ट एंड वेल्दीएस्ट बिकॉज यहाँ पे जो बुद्धा है दैट इज़ मेड आउट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर और गोल्ड का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है अंदर। तो चल के देखते हैं, लेट्स गो इन। हेमिस के बाद, हेमिस मोनेस्ट्री के बाद वी आर हियर इन शांति स्तूपा। और यहाँ पर लिटरली इतने लोगों के होने के बाद भी काफ़ी शांति है। एंड वेदर एकदम से चेंज हो गया था, थोड़ी सी बारिश हुई तो हम सब थोड़ा साइड में खड़े थे, उसके बाद नाउ इट्स अगेन क्लियर। एंड यस, यहाँ से पूरा जो है ले सिटी यू कैन सी, एंड मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, वेट। दिख गया कितना सुंदर। अभी राइट नाउ वी आर इन ले मार्केट शाम। हम अभी ले मार्केट आए हुए हैं और कल यहाँ पर हमारे आने से पहले थोड़ा सा डाइसी हो रहा था, हमें हमारी सुबह की फ़्लाइट थी और रात को यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। मार्केट में बहुत ज़्यादा उस तरफ डैमेज हुआ है, हम अभी जिस तरफ है इस साइड इतना नहीं है, उस साइड रोड्स वगैरह डैमेज हो गई है। बट हम एक कैफ़े में जा रहे हैं फॉर कॉफ़ी, और आज पहला दिन है तो एक्लिमेटाइज होने के लिए हमने ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम जस्ट सिंपली एकदम धीरे धीरे वॉक ले रहे हैं अराउंड द प्लेस। और यही रिकमेंड भी होता है कि जब आप पहले दिन ले आओ तो आप शांति से रहो, डोंट डू एनीथिंग एंड जस्ट आराम करो। तो फिर भी हम थोड़ा सा बाहर आ गए क्योंकि हमें एक फ्रेंड है निहारी का, उससे कैचअप करना था। मैंने उसके साथ ब्लॉग नहीं लिया, मैं भूल गई, बट हाँ कल फिर शायद मिलेंगे हम। क्यों पति जुले जुले फ्रॉम लद्दाख। अच्छा बज रहा है।